से लगा लूं हाथ छूके मैं पैर तेरे गल सुन ले बड़ी माँ बड़े पापा गुड न्यूज है अरे पहले ये मुंह मीठा करो खाई खाओ उसके बाद पहले तुम खाओ कुछ अच्छी बात है अरे आप खाओ तो सही पहले कायरव हुआ क्या अनिशा से बात हुई क्या बहू सखा कहती एक मिनट शांत हो जाओ प्लीज क्यों सब एक ही ट्रैक पे क्यों चलते हो आप सब कुछ खबरी मेरी नहीं है अक्षु की है अक्षु की जॉब लग गई है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ इनफैक्ट आजकल की दुनिया में लड़का और लड़की दोनों को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए हाँ भाई वैसे तो उसकी हॉस्पिटल वाली जॉब बेटर थी पर ठीक है ठीक नहीं है जी बेस्ट है ये बाहर काम करेगी ना तो घर में वैल्यू बनी रहेगी उसकी वरना ऐसा लगेगा कि कोई अनड्यू फेवर किया गया उसे और देखना इसी सोच को अक्षु और उसका काम इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी और वो अपना और हमारा मान और नाम भी बढ़ाएगी Thank God, बचिए क्या हुआ अक्षरा ने ये चीज आपस में डिस्कस नहीं की थी Really? तुम लोगों ने डिस्कस नहीं किया I thought बस फाइनल डिसीजन लेना बाकी है I'm sorry अक्षरा अगर अभिमन्यु ने तुम्हारे लिए तुमसे बिना पूछे डिसीजन ले लिया है तो that's not fair I mean ये तो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश हो गई नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है आप भी जानती हो कि अभी वैसा नहीं है उसके कंसर्न को कंट्रोलिंग का नाम देना इट्स नॉट फेयर इनफैक्ट किसी भी लड़के के लिए किसी भी लड़के का जो कंसर्न होता है वो हमेशा कंट्रोलिंग बोला जाता है और ये बात गलत है हम सबके फैमिली में जो मेल मेंबर्स होते हैं वो हमें केयरफुल रहने के लिए कहते हैं कि रात को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सड़क पर घूमने वाला हर एक इंसान अच्छा और शरीफ हो ऐसा जरूरी नहीं हाँ तो अगर नहीं भी होंगे हम डील कर सकते हैं ना हम क्या इनसे कम स्ट्रांग है बिल्कुल नहीं पर सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं होता अलर्ट होना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए अभी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो उसका कंसर्न है वो उसका मेरे लिए प्यार है एंड आई फील वेरी लकी कि उसकी बिजी लाइफ में भी वो मेरे लिए इतना सोचता है अभी ये तुम जूस बना रहे हो या खिचड़ी एग्जैक्टली यही हुआ आज हमारे साथ मैं पहले ही समझ गई थी कि ये तुम्हारे टेस्ट का नहीं है तुम्हें पसंद नहीं आएगा इसलिए रोकना चाह रही थी तुम्हें पर जब तुम नहीं रुके तो मैंने तुम्हें ट्राई करने दिया क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा टेस्ट सेम हो पर जब समझ आया कि तुम्हें इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा इसमें कुछ गड़बड़ है तब मैंने इस बात को अपने हाथ में लिया अभी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो पर हर किसी की किस्मत में ऐसा प्यार करने वाला पति नहीं होता और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी जैसी जोड़ी इस पूरी दुनिया में बहुत कम होती पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी पसंद ना पसंद एक जैसी हो चॉइसेस एक जैसे काम को लेकर मेरे एक्सपेक्टेशंस अलग है तुम्हारी अलग है पर काम तो मुझे करना है ना तो चॉइस भी तो मेरी होनी चाहिए फिर चाहे सही हो गलत हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ही लूंगी ना एक बार ट्राई तो करने दो अभी
तुम्हें जैसा ठीक लगे करो। नहीं, ऐसे नहीं। खुश होके, मैं नहीं चाहती मेरे कोई भी चॉइस पर मेरा भी दुखी हो। हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज तक तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया है अभी, and I feel surely very lucky for that कि तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, इतना करती हो। पता है, जब भी तुम मेरे आसपास होते हो ना, मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और भी ज्यादा सिक्योर फील करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपने सारे काम को इग्नोर करके बस मुझे प्रोटेक्ट करने में लग जाओ, क्योंकि पास ना होकर भी तुम हमेशा मेरे साथ होते हो, और ये फीलिंग ना मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वो मैं बस महसूस कर सकती हूँ। तुम मेरे इंस्पिरेशन हो भी, तुम मुझे इंस्पायर करते हो खुद अपने बलबूते पर कुछ करने के लिए, और मैं बस वही करना चाहती हूँ, बस तुम्हारे फुल सपोर्ट के साथ। ये बात ना बिल्कुल मेथी दाने की तरह कड़वी, कड़वी पर बहुत फायदेमंद और सही। अभी मैं अपने करियर पाथ पर खुद चलना चाहती हूँ, गिरूंगी, संभलूंगी और फिर खड़ी भी होंगी, पर खुद पर यूं तुम्हारा हाथ छोड़कर नहीं, तुम्हारा हाथ थाम कर। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, ये दो लेटर्स है, तुम जिसे चूज करोगे ना वही मेरा डिसीजन होगा। चूज बहुत अच्छा है। उप्स, ये तो गिर गया। अब तो एक ही चॉइस बची। बहुत बहुत बधाई अक्षु, मेरी बच्ची। रुक एक सेकेंड। बेटा, अपना तू वो करके दिखाना जिसका मौका तेरी माँ को कभी नहीं मिला। माँ, मतलब मौके तो बहुत थे पर मैं ही कभी कुछ कर नहीं पाई। माँ, मुझे नहीं पता था कि आप किसी को नहीं पता था, मैंने कभी किसी को पता लगने ही नहीं दी। माँ, मुझे ये पता था कि आपको गाना गाना बहुत पसंद है, पर ये नहीं पता था कि इसे प्रोफेशन बनाने का आपका सपना था कभी। अक्षु, मेरे सपनों में इतना जंग लग गया है ना कि कभी कभी मुझे भी याद नहीं रहता कि कभी वो भी फौलादी हुआ करते थे। माँ हौसलों और सपनों पर कभी जंग नहीं चढ़ती, हाँ बस एक परत जम जाती है धूल की, जो आसानी से साफ हो सकती है। चाय मिलेगी आज की नहीं? जी लाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।